चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने बांग्लादेश के अंदर एक पोर्ट बनाने की मांग की। पाकिस्तान और बांग्लादेश का अगर मैं अभी तक की मैं तुलना करूं आधुनिक रूप पे, तो बांग्लादेश पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ चुका था। आ भी सकते हैं, बॉर्डर पे ही तो है, किसी भी तरह से घुसपैठी कर सकते हैं। बांग्लादेश की जो पूरी अराजकता वहाँ फैली हुई है वो सोची समझी लग रही है। जिस तरीके से अराजकता फैली हुई है बांग्लादेश में, उस तरह से शेख हसीना को भारत में रखना उचित नहीं है। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुनीत श्रीवास्तव और मैं इस समय मौजूद हूं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग कैंपस में। मैं इस समय मौजूद हूं। ये साथ में जो भी बच्चे ये खड़े हैं ये राजनीति विज्ञान विभाग के छात्र हैं और इनसे हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश में जो स्थिति इस समय बनी हुई है उनका क्या इम्पैक्ट इंडिया पे है और केंद्र सरकार को इससे संबंधित क्या चीज़ें करनी चाहिए या इसे लेकर इन युवाओं और इन छात्रों की क्या सोच है। क्या नाम है आपका? मृदुल त्रिपाठी। मृदुल जी, बांग्लादेश की स्थिति पे आप क्या कहना चाहेंगे, भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इस पर एक अपनी अपना एक विचार पूरा रखिए। अभी तक जो शेख हसीना की जी की गवर्नमेंट थी बांग्लादेश में उससे वो प्रो इंडियन गवर्नमेंट, इसके कारण इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बांग्लादेश से काफ़ी प्रभावित थी। जी जी, इंडिया की फेवर करते थे। लेकिन अब ये देखना है कि अब जो नई गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्म होती है उसके बाद इंडिया से कैसा संबंध रहता है बांग्लादेश का। जी, बताए जा रहे हैं कि बांग्लादेश में ये क्राइसिस के कारण अनेकों कारण हैं। इसमें जानकारों का ये मानना है कि अमेरिका का भी पीछे से हाथ है, चाइना का भी हाथ है। अमेरिका चूँकि वहाँ पर मिलिट्री बेसमेंट बनाना चाहता था तो शेख हसीना गवर्नमेंट से उन्होंने कहा कि हमें मिलिट्री बेसमेंट बनाने के लिए जगह दी जाए, तो उन्होंने मना कर दिया। तो 2024 में जब शुरुआत में जनवरी में इलेक्शन हुआ बांग्लादेश में, तो थर्ड टेन्योर में शेख हसीना जी प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार चुनी गई। इस बार इनकी पार्टी ने 300 सीट में 240 सीट उन्होंने हासिल किया। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें फैलाने जाने लगी कि इन्होंने धांधली से चुनाव जीते हुए हैं, गलत तरीकों से चुनाव जीते हैं। उसके बाद चाइना बांग्लादेश से चाहता था कि उनकी सबमरीन्स उनके पोर्ट एरियाज तक जाएं, इसके कारण चाइना भी शेख हसीना से कहीं ना कहीं नाराज था। वर्तमान में जो घटना घटी है, मतलब बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा ये कि ये घटना किसी मतलब सडनली होने वाली घटना नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं। वहाँ पे ऐसी मतलब वहाँ के जो आरक्षण की जो मांगे कर रहे थे स्टूडेंट, युवा जो होता है किसी भी देश के लिए उस देश का भविष्य का निर्धारक होता है, और उसके पीछे रीजन्स ये थे कि वहाँ की जो जनता थी, जनता में कह सकते हैं कि अधिकतर छात्र ही थे, लेकिन इस छात्रों का जो मतलब वहाँ पे प्रेजेंट में जो वहाँ पे कंडीशन देखी जा रही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ ये छात्र आंदोलन ही है। हम ये कह सकते हैं कि वहाँ की कुछ रेडिकल मतलब जो चीज़ें विचारधारा के लोग होते हैं या फिर इनका भी उसमें योगदान है। और भी और इसके साथ साथ ही हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पे जो जैसे भाई ने बताया, मृदुल भाई ने, कि वहाँ पे जो मतलब वहाँ पे जो चुनाव घटित हुए थे, जो अभी कुछ समय पहले चुनाव हुई थी, तो उसके अंदर किसी भी विकसित देश का विकासशील देशों के ऊपर वो राजनीतिक तौर से उन लोगों का कुछ ना कुछ प्रभाव होता ही है। और ऐसा प्रभाव हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ के जो बांग्लादेश का जो लास्ट समय चुनाव हुआ था उसमें देखने के लिए मिला। और इसका प्रभाव जो भारत पे है, भारत का ये पड़ोसी देश होने के साथ साथ ही, जैसे इन्होंने बताया कि हमारे साथ उसके व्यापारिक या राजनीतिक या फिर किसी भी तौर से जो संबंध थे, अब वर्तमान में जो वहाँ पे जो चुनाव प्रक्रिया होगी और वहाँ पे जो सरकार गठित होगी, इसका इन्फ्लुएंस तो भारत पे रहेगा ही। और वहाँ की जो जनता है, वहाँ की आम जो जनता है, उसके ऊपर ये जो क्राइसिस हुई है, इसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा भयानक देखने के रूप में आ रहे हैं। वहाँ की जो न्यूज एजेंसी या फिर और भी लोगों का चीज़ हम भारत में देख रहे हैं। जी जी। तो वहाँ पे जो वहाँ के अल्पसंख्यक लोग हैं या फिर अन्य हो गए, वहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा या फिर और भी जैसे मतलब राजनीतिक तौर पर जो मतलब घटनाक्रम है वहाँ पे बहुत ही भयानक है। और ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी देश के लिए और वहाँ की युवाओं के लिए, जो भी सरकार की जो मांगे होती हैं जनता क्या करना चाहिए। सरकार को ये होना चाहिए कि जैसे अभी वर्तमान में वो जब वहाँ की शेख हसीना प्रधानमंत्री यहाँ पे आई हुए हैं, तो यहाँ की जो दो भारत में दो विचारधाराएं चलती है, एक आदर्शवाद और एक यथार्थवाद। यथार्थ रूप से जो माना जाए तो ये लॉन्ग समय तक वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे करेंगे तो वहाँ के जो लोग होंगे, यहाँ के लोगों के लिए या फिर यहाँ के इस देश से मतलब थोड़ी बहुत उनके अंदर मतलब कुछ ना भेदभावना की भावना जाएगी। इसलिए भारत के ऊपर ये मतलब एक फ्यूचर भविष्य में बहुत ही दबाव या फिर प्रभाव वाला समय रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है आपका? हिमांशु राय। हिमांशु जी, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? एमए थर्ड सेमेस्टर। एमए थर्ड सेमेस्टर। बांग्लादेश की जो पूरी घटनाक्रम है उस पर क्या आपका विचार है? सर, दरअसल बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ है उसमें कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ही हुआ है। जी जी जी। क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने बांग्लादेश के अंदर एक पोर्ट बनाने की मांग की। जी जी।
जिसका शेख हसीना जी ने विरोध किया कि हम इसमें अपने देश में किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि जो व्यापार की दृष्टि से देखा जाए चाइना जो है पूरी दुनिया में व्यापार की दृष्टि से सबसे बेहतर है जी जी। और वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था जी जी जी। तो जब उनको मना किया गया तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के आधार पर उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, उनको तख्त पलट करने का पूरा प्रयास किया गया। और इसमें उत्प्रेरक का काम किया है आरक्षण का मुद्दा, जिसमें भारत जो वहाँ के निवासी थे, जो विद्यार्थी वर्ग था, वो पूर्ण रूप से कहता है गवर्नमेंट कर लिया गया जी। और वही भर नहीं, और इसमें सेना का सपोर्ट मिल गया उन्हें, क्योंकि सेना का जो सपोर्ट था वो कहीं ना कहीं अमेरिकन के दबाव के द्वारा किया गया है जी, 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 हाँ, क्योंकि ये सत्ता परिवर्तन अमेरिका पहली बार नहीं कर रहा है, वो विभिन्न देशों में कईयों को बार बार किया है, ठीक है। और इससे भारत तक कई घाटे हैं, जैसे विदेश में देखा जाए तो भारत को सबसे ज्यादा कपड़ों की सप्लाई करने वाला देश ब्रिटेन वही था, बांग्लादेश। पाकिस्तान पहले था, बांग्लादेश हो चुका, बांग्लादेश काफी देर डेवलप कर रहा था जी जी। इससे दुनिया के सारे देशों में कहीं ना कहीं व्यापार की दृष्टि से प्रभाव पड़ रहा था उसका, बिल्कुल। और वर्तमान स्थिति में काफी अच्छा, उसका हर इंडेक्स में आगे था जी जी। हाँ, तो इसका प्रभाव पड़ रहा है, विकास भी प्रभावित होगा जी, विकास बहुत प्रभावित होगा। और वही भर ये विदेश के हर मुद्दों में बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि भारत का जो व्यापार की दृष्टि से पहले की जो गवर्नमेंट उससे काफी अच्छा व्यवहार था, लेकिन वर्तमान में गवर्नमेंट पलटने की वजह से अब देखा जाए कैसी भारत की देश नीति अपना पहलू बदलती है, या फिर जैसे हमने वर्तमान स्थिति में वहां की प्रधानमंत्री जी को अपने देश में बुलाया है, इससे भी व्यापार में बड़ा प्रभाव पड़ेगा जी जी। धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रजनीश शर्मा है। क्या है आपके विचार इस पूरे मामले पे? विचार यही है कि देखिए किसी भी देश में अंतः युद्ध नहीं होना चाहिए, मतलब जो इंटरनल वॉर होता है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर सिविल वॉर होगा तो इससे क्या होता है, इससे देश में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और देश की विकास जो है वो रुक जाती है जी। आप 50 साल पहले देख लीजिए, मतलब 1947 में देखिए भारत से आजाद होकर के पाकिस्तान बना, ठीक है। पाकिस्तान के दो, एक पूर्वी हिस्सा और एक पश्चिमी हिस्सा, ठीक है। तो 71 में फिर लड़ाई हुआ इंटरनल चीजों को लेकर के, और ये फिर भारत, फिर वो पाकिस्तान से बांग्लादेश हुआ, ठीक है। और वहीं पे देखिए भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश का अगर मैं अभी तक की मैं तुलना करूँ आधुनिक रूप पे, तो बांग्लादेश पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ चुका था, बांग्लादेश जो है पाकिस्तान को पीछे छोड़ चुका था, उससे उसी से टूट करके वो बना, ठीक है। तो ये दिखाता है कि जैसे मिलिट्री शासन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ये लोकतंत्र होना चाहिए। और अभी क्या है कि इसके पहले जो शेख हसीना जी थी उनका तीसरा टेन्योर है, ठीक है, 15 साल, मतलब लगभग 10वें साल से आगे निकल रही थी, और वो सबको एक साथ लेकर के चल रही थी, उनकी विदेश नीति बहुत अच्छी थी भारत के साथ, ठीक है। और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा भारत के ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले मैं शिलोंग गया था तो शिलोंग में क्या है, वहाँ के बॉर्डर पर जैसे पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उस तरीके से मतलब मिलिट्री वहाँ नहीं रहती है, वहाँ पर बस केवल BSF रहता और वो BSF रहता और SSB। तो इसको लेकर के अभी जो हालिया में जो घटना हुआ है, इसको लेकर के क्या हुआ है कि अब बॉर्डर को भी बहुत सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट करनी पड़ेगी भारत को, तो एक्सपेंडिचर जो है भारत का आर्थिक बजट जो होगा अब ये रक्षा के ऊपर और ज़्यादा जाएगा। और बांग्लादेश और भारत की नीति बहुत अच्छी थी, मैत्री संबंध था, और इसके इसको लेकर कि इस पर थोड़ा असर पड़ेगा। अब हो सकता है कि संबंध में क्या ऐसा लग रहा है कि जो बांग्लादेश पे ये पूरी स्थिति बनी हुई है जी, उसके जो सीमावर्ती भारतीय राज्य हैं, क्या कुछ असर उन पे आ सकता है इस तरीके जी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा आएगा। जैसे असम हो गया, बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया जी, बहुत ज्यादा इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा जी। तो सरकार को वहाँ ज्यादा फोकस करने की जी जी, बॉर्डर्स को सिक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या था, पहले फ्रेंडली थे तो फ्रेंडली में सारी चीजें तो होती रहती हैं, आप जानते ही हैं, जैसे एक दोस्त होता है, और अब जब दोस्त दुश्मन हो जाता है तो फिर आपको पता ही है कि क्या चीजें। क्या नाम है आपको? प्रशांत मे त्रिपाठी। प्रशांत जी, बांग्लादेश की पूरी स्थिति पे आप क्या कहना चाहेंगे छात्र के रूप में? बांग्लादेश की जो पूरी अराजकता वहाँ फैली हुई है वो सोची समझी लग रही है जी जी। क्योंकि वो आरक्षण का मुद्दा था, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ तख्ता पलट हुआ जी जी। फिर देखा गया कि वहाँ रिजाइन करना पड़ा वहाँ के PM को, और फिर वो भारत चले आए जी जी। इसका पूरा प्रभाव जो है भारत पर देखा जा सकता है जी जी। जैसे कि अगर धार्मिक देखा जाए तो वहाँ के मुसलमान जो हैं, जो हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनको भगा रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं, और वहीं देखा जा रहा है तो हमारे देश में व्यवसायिक भी दिक्कत चल रही है, क्योंकि व्यवसाय से बहुत सारा वहाँ लाभ था हमारा उस देश से। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश से अगर देखा जाए तो 25,000 करोड़ का व्यवसाय था जो बिल्कुल इस समय बंद है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति भी हमको झेलना पड़ेगा, और जो राजनीतिक है वो अगर वो शेख हसीना जी भारत में रहती हैं तो इसका बुरा प्रभाव देखना पड़ेगा, क्योंकि जो वहाँ की सरकार बनेगी वो क्या रणनीति लेगी। अगर उनके PM को यहाँ रखते हैं तो कहीं ना कहीं नाराजगी रहेगी, वहाँ के लोगों के बीच में भी रहेगी, तो इसका संबंध भी खराब होगा। इसमें सरकार को अपना निर्णय स्पष्ट करना चाहिए कि आगे क्या करना चाहती है। अगर उनको रखना है तो फिर कहीं सेफ जगह भिजवा दें, बिल्कुल, जहाँ भारत मतलब लोग जो जान भी ना पाए और सेफ रहें। बिल्कुल बिल्कुल।
और यही मैं कहना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकिता राज, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? एमए है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से। बांग्लादेश में जो पूरी इस समय पूरा घटनाक्रम बांग्लादेश का है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना आई हुई है भारत में, तो उसका प्रभाव देखिए पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भारत के जो लोग हैं वो बांग्लादेश में हैं, वहाँ उपद्रव और अराजकता फैली हुई है, तो अगर यहाँ पे रही तो जनता भड़की हुई सरकार के प्रति, और उन्हीं की सरकार यहाँ रुकी हुई है, तो जाहिर सी बात है यहाँ की जनता को वो लोग मार भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, बॉर्डर पर ही तो है, किसी भी तरह से घुसपैठी कर सकते हैं। तो अमेरिका जैसे देश, ब्रिटेन ने तो साफ मना कर दिया कि हम शेख हसीना को अपने देश में नहीं रखेंगे, तो भारत का ये ठीक है कि अतिथि देव भव, कोई भी आए तो उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अराजकता फैली हुई है बांग्लादेश में, उस तरह से शेख हसीना को भारत में रखना उचित नहीं है। जी जी, जी। हाँ, उसका सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल जी। तो ये थे गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के छात्र, जिन्होंने बांग्लादेश की पूरी स्थिति पर एक अपना मत रखा, और सरकार को इसमें, इस पूरे मामले में सरकार को क्या करना चाहिए, इस पर भी उन्होंने अपनी राय दी। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें वन इंडिया हिंदी।